Children, let's begin with chapter number 48, Name the Doctor. The human body has many organs. You all know कि human body जो है वो बहुत सारे organs से मिलके बनी हुई है. इन सभी जितने भी ये organs जो है जो human body को बनाते हैं इनको हम बोलते हैं organ system. Each organ has a function. जो जितने भी organs हमारी body में है सबका अलग अलग function है. जैसे कि heart का function क्या है? Heart का function है pumping of blood. लंग्स का फंक्शन है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड. सो इस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं. आइडेंटिफाई द ऑर्गन एंड राइट इट्स नेम. तो यहाँ हमें कुछ ऑर्गन्स की पिक्चर्स दी हैं और उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम्स को लिखना है. राइट द नेम ऑफ द डॉक्टर हु ट्रीट्स ईच ऑर्गन इन द क्रॉसवर्ड. सो फर्स्ट इज ये है हमारी स्किन. ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये स्किन का स्ट्रक्चर है. सो दिस इज स्किन. सी द सेकेंड वन. ये तो सबको इजीली पता है क्या है ये. दिस इज हार्ट HEART. एंड दिस इज जिसके अंदर रिजेस और ग्रूव्स होते हैं ये होता है हमारा ब्रेन BRAIN. Now this is human ear. So आप यहाँ पे लिखोगे ear. And this is your stomach. Bag like structure है ना, muscular bag like structure. So this is stomach. Then this is your eye. EYE. और ये दोनों क्या है? ये है kidneys. So आप यहाँ पे लिखोगे kidney. Now children, do you know Anandi Ben Gopal Rao Joshi was the first Indian female doctor of Western medicine. So हमारे India के अंदर mostly Ayurved चलता है, naturopathy चलती है. तो Anandi Ben Gopal Rao Joshi जो थी वो first Indian female doctor थी जिन्होंने Western medical को use किया था. Now children, let us fill this crossword using the need help. See the first one. सो पहला हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? सी से स्टार्ट हो रहा है. सो सी इज कार्डियोलॉजिस्ट. तो आप यहां पे क्या लिखोगे? यू विल राइट कार्डियोलॉजिस्ट. CARDIOLOGIST. जी ऑलरेडी लिखा है ST कार्डियोलॉजिस्ट. नाउ ये वाला नंबर जो है दिस इज बिगनिंग विद जी. सो इट इज गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट. तो आप यहां पे लिखोगे गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट. नाउ चिल्ड्रन सी दिस वन. दिस इज बिगिनिंग विद ई. सो ई से यहां पे बिगिन हो रहा है ENT स्पेशलिस्ट. तो यू विल राइट ENT SPECIALIST. ENT specialist. ENT specialist क्या देखता है? आपकी ears, nose and tongue. और gastroenterologist is for your stomach problems. Cardiologist is for the problems related with heart. Now see this one. It is starting with D. तो D से कौन सा है? Dermatologist. Dermatologist किस चीज के डॉक्टर होते हैं? ये होते हैं फॉर द इन्फेक्शंस रिलेटेड टू स्किन. स्किन में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है. देन यू हैव दिस वन. सो यहां आएगा हमारा न्यूरोलॉजिस्ट. NEURO LOGIST. न्यूरोलॉजिस्ट. न्यूरोलॉजिस्ट इज द वन हु इज रिलेटेड विद प्रॉब्लम्स जो हो आपके ब्रेन में. ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको सोल्यूशन के लिए हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. देन यू हैव दिस फ्रॉम ओ. ओ से होता है ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट. ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट किस चीज के लिए होता है? For the eyesight. And then last is nephrologist. Nephrologist.
Gist. Nephrologist is a doctor who treats problem related to your kidneys. Nephron आ रहा है ना, nephro जो होता है, nephrons are the functional units of kidney.